भाई लगा फोन लगा देखते जरा हमारे एमएलए साहब क्या बोलते हैं लगा 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 अरे वो क्या देख रहा है फोन लगा हम मोरे निकालू क्या अरे भाई मोबाइल अंदर गाड़ी हाँ तो निकाल ना हाँ फोन निकाल चल निकाल और सुन स्पीकर पे रख हम लोग को भी सुनने का क्या बोलता है एमएलए सनी वो उठा नहीं रहे शायद बिजी होंगे बिजी होंगे ठीक है अगर वो बिजी है तो अभी हम लोग का बिजी होने का टाइम आ गया क्या चलो भाई लोग जिस काम के लिए आए थे लग जाओ उस पे क्या बोल क्या हुआ जिसका डर था वही हुआ बस्ती वालों ने बापोतर और रश्मि पर हमला कर दिया भैया जल्दी चलिए जल्दी चकी चकी मत मार मत ए गोविंद जा ए चकी मत मार छोड़ दे ये सब लातों के पूता बातों से नहीं मानने वाले आज अच्छे से धुलाई हुई ना तो आगे सीधा चलेंगे और तूने अगर उस दिन उसको ठोका रहता तो आज नौबती नहीं आती चक्की ऐसे हम लोग और फंस जाएंगे यार तुम सबके घर वालों का क्या होगा कौन संभालेगा उन्हें तू क्या बोल वचन दे रहा है तेरा है ही कौन अरे घर वाले तो हम लोग के बाहर हुए कहाँ जाएंगे सब इन लोग को सजा देना पड़ेगा पक्या समझा ना इसने मेरी बूढ़ी आई का बुढ़ापा बिगाड़ा है ऐसा तोड़ेंगे इसको भी अपने बुढ़ापे में हम लोग को याद रखेगा मारो सारे को नहीं मारो जा हिलना मत ए तुम लोग मारो पापा तुमने पकड़ा चुप कर उसने जो अपने साथ किया वो गलत है तेरे को समझता नहीं क्या नीचे कर प्रार्थना प्रार्थना बंदूक नीचे कर दे बेटा आपको बहुत शानी बन रही थी ना बोला पक्का मेरे सामने से हट जा पक्का मेरे साथ खून सवार तू हट जा नहीं चक्की तुझे जेल हो जाएगी तू क्रिमिनल नहीं है चक्की ऐसे तेरे माथे पे क्रिमिनल का थप्पा लग जाएगा अगर तू जेल चला गया तो तेरी आय का क्या होगा चक्की ऐसा मत कर मेरे भाई तू बापोतर के साथ मैं इनको देखती हूँ जा जा पापा आराम से सुशील को मत बताना जल्दी कीजिए जुगल जी खून बहुत बह रहा है प्लीज जल्दी गोली लग जाएगी गोली चल जाएगी तो गोली मार दूंगा पक्या गोली चल जाएगी मार दूंगा चकी चकी मार दूंगा
गल्ला गल्ला इधर। मैडम हेडक्वार्टर से फोन आ गया था हमें। ये किसी का नहीं, किसी का नहीं है। मेरी है सर। तेरी है? रहने खाने के वांदे हैं तुम लोग के, फिर ये गन कहां से आती रहे तुझ जैसों के पास? अरेस्ट करो सबको, ये पकड़ो इसको। पुष्पा आंटी बहुत कोशिश की लेकिन एक ही दिन में क्रिमिनल और बेघर दोनों हो गए हम लोग। तू टेंशन मत ले पकिया, मैं कुछ करती हूँ तुम लोगों को छुड़वाने के लिए। बस पापोत्र ठीक हो जाए वरना मुसीबत हो जाएगी। चलो सबको गाड़ी में चले। बच्चे का ध्यान रखेंगे आप। देखिए हम दोनों आपसे मिलने आए, सुना आपने ठीक हो जाइए, होश में आ जाइए। हम सब इंतजार कर रहे हैं आपका, बहुत चिंता हो रही है आपकी। मिस्टर धर्म राजन आप? हाँ मैं, पर अब धर्म राजन नहीं, दिलीप पटेल। तुम्हारी जरूरत पड़ी इसलिए तुमसे मिलने चला है। नहीं आइए बैठिए। बताइए क्या बात है? मैं अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। सरेंडर किस बात के लिए? इस बारे में पढ़ा था मैंने, पर आपने जो किया वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको सजा हो सकती है। यही तो मैं चाहता हूं अवस्थी, जेल ही तो मेरी मंजिल है, वहां पे किसी के साथ पुराना हिसाब बाकी है। आप जिसे मिलना चाहते हैं वो कौन सी जेल में है कैसे पता करेंगे? उसी जेल में या सेल में आपको रखा जाए वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सरेंडर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। शाशि सोरा कैसे है? भाभी सोरा बाहर गोलू के साथ खेल रही है, यू डोंट वरी। बापूत्र काका कैसे है? उन्हें होश नहीं आया अभी तक, बहुत इंजरी हुई है। सुशीला काकी बहुत टेंस्ड है, मां के साथ हम सब यहीं पर। तुम सोरा का ध्यान रखना राशि, उसे दूध पिला देना। मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप शेल्फ पे रखा, दो चम्मच डालना विदाउट शुगर। ओके भाभी।
स्वरा। हाँ दीदी। स्वरा इधर आ। हाँ आई दीदी। गुल्लू भैया मैं बाद में खेलती हूँ। ओके। हाँ दीदी। दीप्ति दीदी ने बोला ये पूरा दूध पीना है, पूरा पीना, मूझ बननी चाहिए। ओके दीदी। थैंक यू दीदी। राशि दीदी। हाँ मैंने दादाजी को देखा था। क्या कहाँ कब? दादाजी आए थे आज, मैंने उनको दादाजी बोला और वो भाग गए। अगर स्वरा सच बोल रही है तो दैट मीन्स आप जिंदा है डैड, और अगर जिंदा है तो फिर हमसे मिले क्यों नहीं, ऐसे भाग क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह स्वरा को भी भ्रम हुआ हो? नहीं नहीं नहीं, उसको क्यों होगा? आई एम श्योर डैड कि आप जिंदा हो, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.